खूंटी के बड़ी खबरों का शुरुआत करते हुए बता दें कि खूंटी पुलिस ने तोरपा के महरौड़ा जंगल से 2 लाख का इनामी नक्सली पीएलएफआई का एरिया कमांडर सामुएल कंडोलना को हथियार के साथ गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार नक्सली को आगे की कानूनी कार्रवाई हेतु न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। पकड़े गए नक्सली जलडेगा क्षेत्र से पीएलएफआई का एरिया कमांडर था। वहीं अगली खबरों का रुख करते हुए बता दें कि आज़ादी के 75वें वर्षगांठ पर नगर भवन खूंटी में आयोजित 5 दिवसीय चित्रशाला का आज आखिरी दिन था। आयोजन के समापन समारोह में उपायुक्त श्री शशि रंजन मुख्य रूप से उपस्थित रहे एवं एनसीसी कैडर समेत अलग अलग स्कूलों के छात्र छात्राएं भी उपस्थित रहे। अगली बड़ी खबर लेवी से संबंधित है। जानकारी के अनुसार कुछ अपराधियों द्वारा खूंटी के किसी व्यक्ति से रंगदारी के पैसे मांगे गए थे, जो शिकायत पुलिस के पास जाने के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए लेवी मांगने वाले 2 व्यक्तियों को बाजारटांड से गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान अपराधियों के पास से चाकू, मोबाइल फोन और मारुति सुजुकी ऑल्टो कार बरामद किया गया है। बता दें कि दोनों व्यक्ति मुढ़ू प्रखंड अंतर्गत कनालया गांव का रहने वाला है। खूंटी के खबरों से अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज़ गुंजन।